Hello student, how are you? Students, it is a class eight revision for the half year exam. All the students will type on that Google N C E R T exampler. Examplers class eight science. फर्स्ट यू विल टाइप एनसीआरटी एग्जाम्पल क्लास एट साइंस एंड यू प्रेस एंट बटन सो इट विल जस्ट सोन यू द पोर्टल सीबीएसई पोर्टल वेयर इज द ऑल चैप्टर इज लिस्टेड हियर तो आपको इसमें से क्वेश्चन तैयार करना है यू हैव टू प्रिपेयर द क्वेश्चन फ्रॉम दिस अस आई एम ओपनिंग द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स तो एनसीआरटी डॉट एन आई सी डॉट इन इस पोर्टल पे आपको ये एग्जाम्पल्स मिलेगा जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है वाइल्ड बफेलो इज एन इंडेंजर्ड डेंजर्ड स्पीसीज बिकॉज इट्स पॉपुलेशन इज डिमनिस इट हैज बिकम एक्सटिंक्ट इट इज फाउंड एग्जैक्टली इन द पर्टिकुलर एरिया और इट पोचिंग इट्स स्ट्रिक्ट प्रोहेबिटेड ये कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल का पहला क्वेश्चन आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है स्टूडेंट चैप्टर का नाम और ऑप्शन मैं उसको चेक कर लूंगा वाइल्ड क्या वो इस एनवायरमेंट में से बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं एक्सटिंक्ट हो गए हैं इट इज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द पर्टिकुलर एरिया इट्स पोचिंग इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहेबिटेड आंसर क्या होगा ये आपको लिखना है दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स फॉलोइंग चेंजेस में occur ड्यू टू द डिजर्टिफिकेशन डिजर्टिफिकेशन हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है ये वर्ड आपको करना है डिक्रीजिंग atmospheric एटमोस्फेरिक टेम्परेचर in water इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉयल इंक्रीज चांस ऑफ फ्लड्स एंड कंजर्वेशन ऑफ into लैंड इन टू द डेजर्ट ये आपको करना है स्टूडेंट्स इसका सही आंसर क्या होगा ये आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द बायो स्फेयर रिजर्वायर बायो स्फेयर रिजर्वायर के लिए क्या सही है इट इज प्रोटेक्टेड एरिया वेयर ओनली द एंडमिक स्पीसीज लाइव इट इज मीट ओनली फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इट इज मीन टू कंजर्व बोथ द बायोडावर्सिटी एंड द कल्चर ऑफ द एरिया और देर आर नो अदर प्रोटेक्टेड एरिया विद इन इट्स लिमिट इसका सही आंसर क्या है ये आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है द प्लेस मीट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द नेचुरल हैबिटेट्स आर कौन कौन सा हो सकता है जुलॉजिकल गार्डन बॉटनिकल गार्डन्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क इसमें से आपको बताना है फर्स्ट एंड सेकेंड सही है कि सेकेंड और थर्ड सही है थर्ड या फोर्थ सही है या फर्स्ट और फोर्थ सही है आंसर सही आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू

कि सही क्या है गलत क्या है आइए सिक्स नंबर क्वेश्चन में चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ करेक्ट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इट इज आर्टिफिशियली क्रिएटेड प्रोटेक्टेड एरिया फॉर द एनिमल इट इज प्रोटेक्टेड एरिया फॉर द थ्रेटेड एंड द इंडेजर्ड वाइल्ड एनिमल्स इट इज मीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ ऑनली प्लांट स्पीसीज कैप्चरिंग एंड पोचिंग ऑफ द एनिमल इज स्ट्रिक्ट प्रोहेबिटेड हियर सही आंसर क्या है ये आपको बताना है सेवेंथ क्वेश्चन स्टूडेंट विच स्टेटमेंट इज इन करेक्ट अबाउट इन डेंजर्ड स्पीसीज दे नंबर हैज डिक्रीजेस ड्रास्टिकली क्या उसके नंबर एकदम से, एक से खत्म हो रहे हैं दे माइट बिकम एक्सटिंक्ट इन द नियर फ्यूचर फ्यूचर में वो खत्म होंगे दे पोचेस आर डेंजर्स टू अदर एनिमल्स ठीक है the poses a danger of their animals and the natural habitats needs to be protected sahi answer kya hai ye aapko batana hai what do you black buck elephant python and golden cat together represent in the forest इसमें फाउना है A ऑप्शन B ऑप्शन फ्लोरा है C इकोसिस्टम है D आपका स्पीसीज है जो सही है वो आप यहाँ पर लिखेंगे रेड डाटा बुक जैसा हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ा था रेड डाटा बुक कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेमिक स्पीसीज एंडेंजर्ड प्लांट एक्सटिंक्ट स्पीसीज और एंडेंजर्ड एनिमल्स फर्स्ट और सेकेंड सही है कि सेकेंड और थर्ड सही है थर्ड या फोर्थ सही है या फर्स्ट या फोर्थ सही है आपको बताना है स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फॉर अवे एरिया ड्यूरिंग द पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर फॉलोइंग कंडीशन प्रजेंट इन देर है पास है अनबिलिटी ऑफ फूड एक्सट्रीम वेदर कंडीशन ओवर क्राउडिंग और लैक ऑफ नेस्टिंग एरिया तो फर्स्ट और फोर सही है या सेकेंड और थर्ड सही है या फर्स्ट और सेकेंड सही है या सेकेंड और फोर सही है ऑप्शन आपके सामने है स्टूडेंट्स सही आंसर

क्यों जरूरी है फॉरेस्ट का संरक्षण मेंशन एनी वन एक्शन दैट यू हैव अंडरटेक टू कंजर्व ट्री मेंशन एनी वन एक्शन दैट यू हैव अंडरटेक टू कंजर्व अ ट्री कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन यहां पर ट्रू के लिए ट्रू और फॉल्स के लिए फॉल्स लिखना है देयर कैन बी द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विद इन द बायोस्फेयर रिजर्वायर प्लांट्स ऑफ द पर्टिकुलर एरिया आर कलेक्टिवली टर्म एज द फाउना डिफॉरेस्टेशन लीड टू इंक्रीज इन द दॉटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल सही आंसर्स आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे बायसन इज एन एंडेमिक फाउना ऑफ द पंचमरी बायोस्फेयर स्ट्रेंड्स फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन कैन अ फॉरेस्ट रिजनरेट नेचुरली इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आंसर्स कमेंट बॉक्स में नेम द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया ये सिक्सटीन क्वेश्चन है आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आप देखेंगे व्हाई आर द वाइल्ड एनिमल सेंचुरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इसका आंसर आप बताएंगे और व्हाई आर एंडेमिक ऑर्गेनिजम्स इज अ ग्रेटर डेंजर ऑफ बिकम द एक्सटिंक्ट केवल आपको 18 क्वेश्चंस या आप दे सकते हैं 19 क्वेश्चन में हाउ आर इवन स्मॉल एनिमल इंपॉर्टेंट इन द इकोसिस्टम इकोसिस्टम में छोटे से छोटे एनिमल्स क्यों इंपॉर्टेंट है

आपको पहले भी रिपीट हुआ है उसमें वन मार्क्स इसमें टू मार्क्स मेंशन एम ऑफ़ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्या है इसका मेन रीजन था और व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी तो ये 24 क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको करना है और इसके आंसर्स हम अगले वीडियो में देंगे तो ये आपका चैप्टर था दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ठीक है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ठीक है आई होप आपको समझ में आया होगा और यदि कोई क्वेश्चन